पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में रामगंगा बिहार स्थित आरएसजी हॉस्पिटल में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए डॉक्टरों ने विभिन्न बीमारियों से बचने की जानकारी दी। तो वहीं दिल्ली से आए डॉक्टर पवन कुमार ने तंबाकू से होने वाले रोगों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस शहर में जितनी भी दुकानें हैं उन पर खुलेआम नशा बिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दुकानों पर तंबाकू सिगरेट आदि बिकने की लिमिट रखी गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल के आसपास कोई भी दुकान नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं को सफल करने के उद्देश्य से डॉक्टर पवन कुमार ने लोगों को तंबाकू से बचने के लिए निर्देश दिए। तो वहीं हॉस्पिटल की डायरेक्टर जी कुमार ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने का उद्देश्य यूथ को जागरूक करना है और साथ ही नशे की लत से हटकर स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना है। आज हमारे यहाँ एक सेमिनार और हेल्थ टॉक रखी हुई है हमने, विन ओवर कैंसर एंड टोबैको। हमें कैंसर पे जीत कैसे कर सकते हैं या हम तंबाकू कैसे छोड़ सकते हैं, तो डॉक्टर पवन गुप्ता आए हुए हैं जो कि सीनियर ऑंको सर्जन है मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से। आजकल आप देख ले होंगे कि ये ज्वलन समस्या है, बच्चे बड़े बूढ़े सबको एक ऐसी लत लग गई है पान मसाला खाने की, तरह तरह के तंबाकू खाने की, और एक ये स्टेटस सिंबल सा हो गया है कि भी हम लोग खूब खाते हैं और हमें कुछ होने वाला नहीं है। लोग इस गलतफहमी में हैं कि हमें कुछ होने वाला नहीं है, बट इसकी अवेयरनेस के लिए हमने ये एक टॉक रखी है ताकि सबको ये पता चले कि तंबाकू सेवन से क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और आपके जीवन पे इसका क्या असर होने वाला है। हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब आखिर में हम फंसते हैं यहाँ के, ओरल कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, इंटेस्टाइनल कैंसर है, टंग कैंसर है, किस कितने तरीके के कैंसर हैं जो कि अभी डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, टॉक चल रही है कि सिर से लेके पांव तक किसी भी अंग को जब हम से तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसका असर होता है। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए और यंग बच्चों को ये हिदायत दी जा रही है और अवेयरनेस दी जा रही है कि हम अपने जीवन को महत्व दें। हमारा जीवन जो है सर्वोप्रिय है, हमारा जीवन अमूल्य है, हमें इसका ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपने आसपास कोई खाता हुआ दिखे तो उसको कैसे छुड़वाना है, डॉक्टर पवन जी इस बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आगे हम एक टोबैको वेलनेस सेंटर खोलना चाह रहे हैं डॉक्टर पवन गुप्ता के सौजन्य से, ताकि ये जो बुराई है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, तंबाकू का सेवन करना, ड्रग्स लेना, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, नशे की आदत हो जाती है और आखिर में हम अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो अगर हम शुरू से ही बच्चों को आगाह करें, यूथ को आगाह करें, इवन फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन सब चीज़ों को लेके, जो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे इस लत में ना लगें, इससे दूर रहें, और बड़ों को भी हिदायत दे रहे हैं जिनकी आदत पड़ चुकी है, उनको सिखा रहे हैं कि हम इसको कैसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। आप मानते होंगे सब लोग कि ये चीज़ बुरी है और बुरी चीज़ को छोड़ देना चाहिए, इसलिए तंबाकू का सेवन ना करें। मैं इस मंच से आज आग्रह करूंगी सबसे कि आप लोग अपनी ज़िंदगी की और जीवन शैली को बदलें, समाज को बदलें और तंबाकू रहित समाज